श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री रामचरित मानस में हम लोगों ने छठे मास प्राण छठे विश्राम तक और बालकंड का दोहा 183 तक पढ़े थे, जहाँ पे कि राजा प्रताप भानु की कथा हम लोगों ने पढ़ा। और राजा प्रताप भानु इतना प्रतापी होते हुए भी अगला जन्म उनको रावण का क्यों मिला, और रावण की दुष्टता से देव दनुज मानव नाग किन्नर गंधर्व और इंद्र तक जो है त्रस्त हो चुके हैं, माता धरती पृथ्वी माँ त्रस्त हो चुकी है। तो अब यह सभी देव दनुज पृथ्वी सभी भगवान के पास जाकर के और निवेदन करते हैं, और ये निवेदन आज हम लोग पढ़ेंगे, स्तुति पढ़ेंगे। और किस तरह से भगवान राम जो है दशरथ जी के यहाँ जन्म लेते हैं और बाल लीलाओं का आज अध्ययन करेंगे। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा अजे लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवाव ही सेवा। पराये धन और पराये स्त्री पर चलाने वाला, स्त्री पर मन चलाने वाला दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ चुके हैं रावण के काल में। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, और साधुओं की सेवा करना तो दूर, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके आचरण यह भवानी अते जानहु निश्चर सब प्राणी, यह जिनके अंदर भाव आ जाए वह निश्चर है। अतिशय देखि धर्म के ग्लानी अपरम सबित धराय अकुलानी। शिव जी कहते हैं हे भवानी, जिनके मन में पराये धन पराये स्त्री पर दुष्ट चोर जुआरी इस तरह की कला आ जाए, और देवताओं को जो सम्मान करने के बजाय उनसे खुद सेवा करवाएं, ऐसे प्राणियों को राक्षस ही समझना चाहिए। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि अरुचि अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरी सारी सिंधु भार नहीं मोही, अजस मोही गरुव एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी, पृथ्वी सोचने लगी, पर्वतों नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक पर द्रोही अर्थात दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुए वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, अगई तहां जह सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाय सिरोई, काहु ते कछु काजन होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गाय का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रो रो कर उनको अपना दुख सुनाया, फिर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली कर सर्वा, गे विरंची के लोका संग कोतन धारी, भूमि बिचारी परम विकल भय शोका। ब्रह्म सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करित दासी सो अविनाशी, हमरे तोर सहाई। तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए अर्थात सत्य लोक गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारे पृथ्वी भी गाय का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए, उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी है, हमारा भी और तुम्हारा भी, हम दोनों का सहायता वही कर सकता है। धरनी धरहि मन धीर कह, बिरंची हरि पद सुमिरो, अचानत जन की पीर, प्रभु भंजहि दारुण विपदी, हरि ओम शंकर शरणम।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाए प्रभु करिय पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, कहु कह पयो निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाएंगे, ताकि उनके सामने हम लोग अपनी फरियाद कर सकें, उनकी पुकार सकें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता है, तो कोई कहता है कि वह प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भगत जसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। हे पा जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु उसके लिए सदा उसी रीति में प्रकट होते हैं। हे पार्वती जी, सुनिए, उस समाज में मैं भी था और अवसर पाकर के मैंने एक बात कही। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देश काल दिसि विदेश हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। कण कण में शंकर हैं, कण कण में हरि हैं, कण कण में भगवान हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कौन सी है जहाँ प्रभु नहीं है। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रकट जिमियागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना। वे चराचर में चराचर जगत में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कही हुई आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं, जैसे अग्नि अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणी मंत्र आदि साधन किए जाते हैं, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी और ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके हमारी प्रशंसा की। सुनि बिरंची मन हरसतन, पुलकी नयन बहनीर। अस्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक, जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी जय असुरारी, सुंदु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मरम न जानै कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करौ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोहि मुकुंदा। तमोह मुनि वृंदा, जेहि लागी बिरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गन गावहि, जयति सच्चिदानंदा। नहीं सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करहु भारी चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। सो भव भय भंजन मुनि मन रंजन, गंजन विपदि बरूथा। मन बच क्रम मानी छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुति से सारी सय अशेषा, जा कहूँ कोई नहीं जाना।
जे ही दीन पियारे वेद पुकारे द्रवंसो श्री भगवाना। भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सीत सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। जानि सभय सुर भूमि सुनी वचन समेत सनेहे अगगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, ये सभी देवता ननुज और धरती माता सब ब्रह्मा जी के साथ भगवान की जो है स्तुति कर रहे हैं। शंकर भगवान भी उसमें हैं। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों के हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञ इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद अर्थात मोक्ष दाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक में सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो, जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अर्थात सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न मत्तोपादान कारण बनकर तीन प्रकार के सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा जानते हैं, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सिर्फ देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। हे सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि, कोई भी जिनको नहीं जानते हैं, जिन्हें दीन अपने भक्त प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों के राशि नाथ, आपके चरण कमल में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेहयुक्त वचन को सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डर पाऊ मुनि शुद्ध सरे सिद्ध सुरेशा, तुम्हि लागि धरियउ नरवेशा। हंसन सहित मनुज अवतारा, लेहौ दिन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप का धारण करूंगा और उदार अर्थात पवित्र सूर्य वंश में अंश सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिन कहूं मैं पुरब वरदीना। ते दशरथ को सल्या रूपा, कोसलपुरी प्रगट नर भूपा। कोसलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्या पुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह औतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचार्य भाई। नारद वचन सत्य सब करियहुँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में अवतार लूंगा।
नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो हूँ देव समुदाई, जगन ब्रह्म बानी सुनि काना, सुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा, हे देव वृंद तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा की बाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी है समुझावा, अभय भय भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसमें जी में भरोसा अर्थात धाड़स आ गया। निज लो कहीं बिरंची गे, देवन यही सिखाई, बानर तनु धर धर मही, हरि पद से वहु जाई। हरि ओम शंकर शरणम। देवताओं को यही सिखाकर कि बानरों का शरीर धर धर कर तुम सब लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गय देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहो विश्रामा, जो कछु आयसु ब्रह्म दीना, हर्ष देव विलंबन कीन्हा। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए, पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने कुछ आज्ञा दी, उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में बिल्कुल देर नहीं की। बनचर देह धरी छिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही, गिर तरुनख आयुध सब वीरा, हरि मारग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था, सभी सूरवीर थे, पर्वत वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरी कानन जह तह भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी, यह सब रुचिर चरितमय भाषा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। वे बानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुकुल मनी राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, अपति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी, वे बड़ी ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुर गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय किए। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायौं, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायौं, धरहु धीर होहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे राजन धीरज धरो, तुम्हारे चार पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि ही वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगत सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने।
वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु अर्थात हविष्यान खीर लिए प्रकट हुए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भा सिद्ध तुम्हारा, यह हवि बाँट देहु नृप जाई, था जोग जहि भाग बनाई। और दशरथ जी से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया है। हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान अर्थात पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बना करके अपने पत्नियों को बांट दो। तब अदृश्य भय पावक सकल सब ही समुझाई, अपरमानंद मगन नृप हरसिन हृदय समाई। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। तदनंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्धान हो गए। राजा परमानंद मग्न हो गए, उनके हृदय में हर्ष समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौसल्या आदि तहां चली आई। अर्ध भाग कौसल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीना। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौसल्या आदि जो भी पत्नियां वहां थी चली आई। राजा ने उस फल का उस खीर का आधा भाग कौसल्या को दिया और शेष आधे को दो भाग किए। के कई कहा दीपसुदयम रहियो सो उभय भाग पुनि भयम। कौसल्या के कई हाथ धरे, दिन सुमित रही मन प्रसन्न करे। अब वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया, शेष जो बचा रहा उसके फिर दो भाग हुए और राजा ने उसको कौसल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। यही विधि गर्व सहित सब नारी, अभय हृदय हरसित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई, वे हृदय में बहुत हर्षित हुई, उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए सब लोक में सुख और संपत्ति छा गए। मंदिर महासभ राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कछुक काल चल गयउ, जहि प्रभु प्रकट सो अवसर भयउ। शोभाशील और तेज की खान बने हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुख पूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, जोग भय लगन ग्रह बार सकल भय अनुकूल। चारु चरण अचर हर्ष जूत राम जन्म सुख मूल, राम चरण सुख मूल, राम चरण सुख मूल। योग लगन ग्रह बार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए। श्री राम का जन्म सुख का मूल है। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, सकल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। मध्य दिवस मति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। पवित्र चैत्र का महीना था, नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था। दोपहर का समय था, न बहुत सर्दी थी न धूप थी, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद सुर बहबाए, हरषित सुर संतन सब मन चाओ। मन कुसुमित गिरिगन मनियारा, अस्त्र है सकल सरिता मृत धारा। शीतल मंद
मन शीतल मन और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा ही इच्छा था, जागरूकता थी, एक इंतजार था। वन फूले हुए थे, पर्वतों के समूह मनियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। अब सो अवसर बिरंज जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन विमल शंकुल सुर जूता, गावहि गुण गंधर्व वरूथा। जब ब्रह्मा जी ने वह अवसर जाना, तब सारे देवता विमान सजा सजा करके चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया, गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे। बरसहि सुमन सुअंजलि साजी, गह गहि गगन दुंदुर बाजी। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा अर्थात उपहार भेंट करने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। अजग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधर प्रभु प्रकट हुए। भया प्रकट कृपाला, दीन दयाला कौसल्या हितकारी। हरषित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। हरषित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला, शोभा सिंधु खरारी। कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, के विधि कर अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सोम महित लागी जन अनुरागी, वयो प्रगट श्री कंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना, वेद प्राण बनंता। मम ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी यह उपहासी, सुनत धीर मति धीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही कथा सुहाई मातु बुझाई, यही प्रकार सुर प्रेम लहे। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा। की जय शिशु लीला यति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, हो अही बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि, तिन परहि भव कूपा। दिनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हित कार्य कृपालु प्रभु प्रकट हुए।
मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? वेद और पुराण आपको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं, अर्थात आपको कैसे जांचा जा सकता है? श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए आज हमारे घर में प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि आपके प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात सुनने पर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, अर्थात एक ईश्वर किसी के गर्भ में कैसे रह सकता है? व्यक्ति विशेष सुन करके विचलित हो जाता है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला कीजिए। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप पकड़ करके रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद प्राप्त करते हैं और फिर संसार रूपी भव सागर में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संतहित लिन मनुजय अवतार, अनिज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, हरिओम श्री शंकर शरणम। ब्राह्मण गाय देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है। वह किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं है। सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी, हर्षित जह तह धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावलित होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी, सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनिकाना, मानव ब्रह्मा नंद समाना, परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया, आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई, परमानंद पुरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आज आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहा गयो हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा, अनुपम बालक देखे नहीं जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलवाया गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते हैं, अर्थात शब्दों में उसको नहीं पिरोया जा सकता है। नंदी मुख श्राद्ध करी, जात करम सब कीन,
हाटक धेनु बसन मने रिप विप्रनह कह दीन हरि ओम शंकर शरणम। फिर राजा दशरथ ने नांदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिए। ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाए यही भांति बनावा सुमन वृष्टि आकाश ते हो ही ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है और सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न है। बृंद बृंद मिली चली लुगाई सहज सिंगार किए उठि धाई कनक कलश मंगल भरितारा गावत पैठी भूप द्वारा। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेवछावर करही बार बार शिशु चरण नहीं परही मगध सुत बंदी गण गायक पावन नागुन गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागद सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दिन सब काहू जही पावा राखा नहीं ताहू मृग मद चंदन कुमकुम कीचा मति सकल बिचि नहीं बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा अर्थात लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की किचकिच मच गई। गृह गृह बाजव धाव शुभ प्रगटे सुषमा कुंद हर्षवंत सब जहां तहां नगर नारी नर वृंद हरिओम शंकर शरणम। घर घर मंगलमय बधावा बनने लगा क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं। कह कह सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भय ओ वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई शारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति और समय और समाज का वर्णन साक्षात माता सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। अवधपुरी सोहै भांति प्रभु मिलने आई जनु राती देखी भानु जनु मन सकुचानी तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूरज को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो। परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बन कर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधियारी उड़ वीर मनहु अरुनारी मंदिर मानी समूह जनु तारा निप गृह कलश सो इंदु उदारा। अगर की धूप की बहुत सी धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मनियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन भेद दुनी अति मृदु पानी जनु खग मुखर समय जनु सानी कौतुक देखी पतंग भुलाना एक मास ते जात न जाना। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई पक्षियों की चहचहाट चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल को भूल जाते हैं। एक महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना अर्थात उन्हें एक महीना वही बीत गया। मास दिवस
कर दिवस बा मरम न जाने कोई, अरथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि होई। हरि ओम श्री शंकर शरणम। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए, फिर रात किस तरह होती। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुन गाना। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा, चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहो निज चोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी। कागव सुंडी संग हम दो, मनुज रूप जान ही नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत ही दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी अर्थात छिपी हुई बात बताता हूँ। सुनिए, कागभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई नहीं पहचान सका। परमानंद प्रेम सुख भूले, बिछिन फिर मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पे सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से ही गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा है, अर्थात साक्षात श्री शिव जी आए हुए हैं भगवान के जन्म महोत्सव मनाने के लिए, जन्म को देखने के लिए, जन्म के आनंद को देखने के लिए, और वह भी मनुष्य रूप में। तेही अवसर जो जेहि विद्यावा, दिन भूप जो जेहि मन बाबा। गजरथ तुरग हम को हीरा, दीन रिपनाना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी रथ घोड़े सोना गाय हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोष सब नहीं के, जहाँ तहाँ दे ही अशीष। असकल तनय चिर जियहुँ, तुलसीदास के ईश। जय श्री राम जय राम जय जय राम, जय श्री राम जय राम जय जय राम। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र अर्थात चारों राजकुमार चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एही भांति, जात न जानिए दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप भोली पठे मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए, दिन और रात जाते हुए मालूम नहीं पड़ा। तब नामकरण संस्कार का समय आ गया। नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धर्य नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। श्री भगवान का ही नामकरण अर्थात मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे वशिष्ठ मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों, वे नाम हमारे इस सुपुत्र का रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपने बुद्धि के अनुसार कहूंगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, करते त्रैलोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख के भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं, प्रसन्नता देने वाले हैं, उनका नाम राम है।
विश्व भरण पोषण कर जोई, साकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भरण पोषण करते हैं उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, अगुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। हरिओम शंकर शरणम। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे हैं और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुर हृदय विचारी, वेद तत्व निप सव सुत चारी। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल के निरस से ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के चार तत्व हैं, साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम वश बाल लीला से रस में सुख माना है। बारहि ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनहु भाई, प्रभु सेवक जस प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखहि छवि जननी तिन तोरी। चारिम सिल रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यूं तो चारों ही पुत्र सील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सूचत किरण मनोहर हाशा। कबहु छंद कबहु वर पलना, मातु दुलारई कहि प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित हैं। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा के किरणों को सूचित करती हैं। मन को हंसने उस कृपा रूपी चंद्रमा को किरणों के सूचित करती हैं। कभी गोद में और कभी उत्तम पालने में माता प्यारे लालना को लिपटा कर कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, असो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। हरिओम श्री शंकर शरणम। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौसल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दल निह बैठे जन मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के श्याम समान श्याम शरीर में करोड़ों काम देवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे कमल के पत्ते पर मोती, लाल कमल के पत्ते पर मोती स्थिर हो गया हो। रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकनि उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जहि देखा। चरणातलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सोहित हैं। नुपुर पैंजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर तीन रखाएं अर्थात त्रिवली है। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है।
भुज विशाल भूषण जूत भूरी हियर हरि रख अति शोभा रूरी उर मनिहार पदिक की शोभा विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं, हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है, छाती पर रत्नों से युक्त मनियों के हार की शोभा और ब्राह्मण अर्थात भृगु के चरण चिन्ह की देखते ही मन लुभ जाता है। कंबुकंठ यति चिबुक सुहाई आनन अमित मदन छवि छाई दुई दुई दसन अधर अरुणारे नासा तिलक कुबर नय पारे। कंठ शंख के समान उतर चढ़ाव वाला तीन रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है, दो दो सुंदर दातुलिया हैं, लाल लाल होठ हैं, नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। वह बालक रूप जो साक्षात भगवान अवतरित हुए हैं, उस सुंदरता का वर्णन कैसे कोई कभी कर सकता है, कैसे कोई कभी कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला अति प्रिय मधुर तो तरे बोला चिक्कन कच कुंचित गभुआरे बहु प्रकार रचि मातु समारे। सुंदर कान बहुत ही सुंदर गाल हैं, मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है, एक तो बाल रूप, दूसरा साक्षात ईश्वर का रूप और तीसरा माताएं संवार रही है। पीत जिगुलिया तनु पहिराई जानु पानी बिचरन मोहि भाई रूप स कही नहीं कही सुति सेसा सो जानहि सपने हिजहि देखा। शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जीव भी नहीं कर सकते हैं, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो, जिसको ईश्वर से प्रीति हो, जिसको परमपिता परमात्मा से प्रीति हो, जिसको बाल रूपा में आनंद आता हो, बाल रूप में आनंद आता हो, बाल रूप में आनंद आता हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत हरिओम शंकर शरणम। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान बाणी और इंद्रियों से भी अतीत है, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। वह बाल लीला कितना सुंदरमय होगा, जिसका वर्णन सोच करके ही जो है मन प्रसन्न चित हो जाता है। यह विधि एही विधि राम जगत पितु माता कोसलपुर वासी नहीं सुख दाता जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनके यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता और पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ रखी है। हे भवानी, हे पार्वती, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी कवन सकै भव बंधन छोरी जीव चराचर बस कै राखा सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय कर ले, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब सचराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुटी बिलास नचावहि ताहि अस प्रभु छाड़ी भजिह कहु काहि मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान उस माया को भौं के इशारे पर नचाते हैं, ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो किसका भजन किया जाए। वह व्यक्ति सचमुच मूर्ख है जो इस भगवान को छोड़कर किसी और के बारे में सोचता है। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़ करके भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे।
एही विधि शिशु विनोद प्रभु कीना सकल नगर वासी नहीं सुख दीना ले उछंग कबहु कहल रावे कबहु पाल निगाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर वासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती तो कभी पालने में लिपटा कर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान असुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान हरिओम शंकर शरणम। प्रेम में मग्न कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाए कर सिंगार पर ना पौढ़ाए निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हे तो किन स्नाना। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर चढ़ा दिया पढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा आप गए जह पाक बनावा बहुरी मातु तहवा चली आई भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहां आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पई भयभीता देखा बाल तहां पुनि सूता बहुरी आई देखा सुत सोई हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था यह किसने लाकर बिठा दिया इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है नैवेद्य का जलपान कर रहा है। उनके हृदय में कंपन होने लगा और मन को धैर्य नहीं हो रहा था। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मति भ्रम मोर की आन विशेषा देखी राम जननी अकुलानी प्रभु हसी दीन मधुर मुस्कानी। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दोनों एक जैसे बालक देखे अर्थात पूजा स्थान पर भी और पालने में भी ये दो बालक एक जैसे एक ही समय में यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता के इस घबराई हुई आंख को देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड अरोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मंड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए थे। हरि ओम श्री शंकर शरणम श्री रामचंद्र जी की जय। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सहित सिंधु महिकानन काल कर्म गुण ज्ञान सुभाव सो देखा जो सुनान काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा बहुत से पर्वत नदियां समुद्र पृथ्वी वन काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब भी बिगाड़े अति सवित जोरे कर ठाड़ी देखा जीव नचावै जाहि देखी भगति जो छोरै जाहि। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा देखी माया सब विधि गाड़ी अति सवित जोरे कर ठाड़ी देखा जीवन चा वही जाई देखी भगति जो छोर ही ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी हैं। जीव को देखा जिसे वह माया न चाहती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख वचन न आवा नयन मुदि चरणन सिरुनावा विषमय अवंत देखि महतारे
भय बहुरी सिसुरी पखरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्य चकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर से बाल रूप हो गए। अस्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत कर जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनिका तहु कहसी सुनु माई। माता से स्तुति भी नहीं की जाती, वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि के माता को श्री हरि ने भगवान ने श्री रामचंद्र जी ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करी कर जोरी, अब जानी कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी। हरिओम शंकर शरणम। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीन्हा। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया, अपने भक्तों को आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के कुटुंबियों को अर्थात अपने संबंधियों को सुख देने वाले हुए। चुड़ा करन किन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चार्यो सुकुमारा। तब गुरु जी ने जाकर चुड़ा कर्म संस्कार किया, ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु श्री दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं को समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभु चल ही पराई। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जनने हठि धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। दूसर धुरी भरे तनु आए, भूपति भी सिगोद बैठाए। भोजन करत चपल चित इत उत असर पाए, भाज चले किल कत मुख दधि ओदन लपटाए। हरिओम शंकर शरणम। हे ईश्वर तुम्हारी कृपा की जय हो। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए हुए लगा हुआ है और किलकारी मारते हुए हंसते हुए इधर उधर भाग चले जाते हैं। यह बच्चों की बाल चरित है जो आनंदमय है। बाल चरित अति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन सन नहीं राता, तेजन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल भोली भाली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गाया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं होता है, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया है, नितांत भाग्यहीन बनाया है। और सचमुच जिन पुरुष को, जिस व्यक्ति विशेष को बाल लीलाओं में आनंद नहीं आता हो, बच्चों में प्रेम नहीं हो, बच्चों के बीच आनंद नहीं लेते हो, वो सचमुच भाग्यहीन ही हैं। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्या पाई। जो ही सब भाई कुमारा अवस्था के हुए, तो ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सारी विद्याएं आ गई। जाकी सहज स्वास सुति चारी,
सो हरि पड़े यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुण शीला, खेल ही खेल सकल नृप लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक ही श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें यह कौतुक है, यह आश्चर्य है। चारों भाई विद्या विनय और गुण में शील में बड़े ही निपुण हैं और सब राजाओं के लीलाओं के ही खेल खेलते हैं, अर्थात भगवान यह लीला ही कर रहे हैं। जिन्होंने वेद जैसे जिनकी पूरी संसार है वो खुद पढ़ने जा रहे हैं। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिन बिहरहिं सब भाई, सकित होइं सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं, रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हैं, खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखते स्नेह से शिथिल हो जाते हैं और वहीं रुक करके ठिठक कर रह जाते हैं, देखते हैं। कौशल पुरवासी नर नारी, वृद्ध अरुबाल, अप्राण होते प्रिय लागत, सब कहूं राम कृपाल, जय श्री सीता राम। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, वन मृग अनित खेल ही जाई। पावन मृग मारे जिए जाने, दिन प्रतिलिप देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तरि सुर लोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता यज्ञा अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे वे शरीर छोड़कर देव लोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। यही विधि सुखी हो ही पुर लोगा, कर ही कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाई, आप कहि अनुजन समझाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद और पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाव ही माथा। आय सुमांग करहे पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता और पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनिहज, निर्गुण नाम अनुरूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित अनूप। हरि ओम शंकर शरणम श्री रामचंद्र की जय। जो व्यापक अकल निर्भय इच्छा रहित अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सरिच बचरित कहा मैं गाई, आगली कथा सुनो मन लाई। विश्वामित्र महा मुनि ज्ञानी, बसे विभिन्न सुम आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैंने गा करके कहा, अब आगे की कथा मन लगा करके सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में सु आश्रम जान करके बसते थे। जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करही, अति मारिच स्वभाव डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। जहाँ वे मुनि जब जप यज्ञ और योग करते थे परंतु मारिच और स्वभाव से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहिं निचर पापी। तब मुनि वर मन कीन बिचारा, प्रभु अवतरहु हरन मही भारा।
गाधी के पुत्र विश्वामित्र जी ने मन में चिंता छाई हुई और पापी राक्षस भगवान के मारे नहीं मरेंगे ऐसा विचार करके श्रेष्ठ मुनि ने मन में प्रभु के बारे में ऐसा सोचा कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही तो अवतार लिया है। एहु मिस देखूं पेट जाई कर विनती आनो दो भाई ज्ञान विराग सकल गुण ऐना तो प्रभु मैं देख भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। अह जो ज्ञान वैराग और सब गुणों के धाम है उन प्रभु को मैं नेत्र भर कर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ जात लागी नहीं बार करि मज्जन सरौ जल गए भूप दरबार हरि ओम शंकर शरणम। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा मिलन गयउं लय विप्र समाजा करि दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठारिनी आनी। राजा दशरथ ने जब मुनि का आना सुने तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरण पखार की नियति पूजा सो मम आज धन नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवाया मुनिवर हृदय हरस अति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण मेल सुत चारे राम देखी मुनि देह विचारी भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन शशि लोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया उनसे प्रणाम कराया। रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की सुधि भूल गए। वे श्री राम जी की मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब मन हरस वचन कह राहु मुनि अस कृपान की नियम काहु के ही कारण आगमन तुम्हारा कहो सो करत न लावऊ बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर यह वचन कहे, हे मुनि इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की लेकिन आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ कहिए, मैं उसे पूरा करने में बिल्कुल देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि मैं जाचन आयो नृपतोहि अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बद मैं हो बसनाथा। हे राजन राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित इन्हें लौटा भी दूंगा और मैं भी सुरक्षित हो जाऊंगा। देहो भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान अधर्म सुजस प्रभु तुम कौन इन कहा अति कल्याण। जय श्री राम। हे राजन प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी इससे तुमको धर्म और सुजस की प्राप्ति होगी और इनका भी परम कल्याण होगा। सुनि राजा अति प्रिय वाणी हृदय कंप मुख दुति कुमलानी चौथे पन पायो सुत चारी विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। हे ब्राह्मण मैंने चौथे पन में चार पुत्र पाए हैं और आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहु भूमि देनु धन कोसा सर्वस देहु आज सहरोसा देह प्राण ते प्रिय कछुक नाही सो मुनि देहु निमिष एक माही। हे मुनि आप पृथ्वी गाय धन और खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में आपको दे दूंगा।
सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम तेत नहीं बनई गोसाई, कह निश्चर यति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु राम को तो किसी प्रकार भी नहीं देते बनता, कहां अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहां परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर दोनों पुत्र। सुन रिप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, सब बहु शिष्ट बहु विधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह का नाश हो गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लाए बहु भांति सिखाए, मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पितायान नहीं को। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी और फिर कही, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं, हे मुनि, आप ही इनके अब पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौंपे भूप ऋषि सुत बहु विधि देय शेष, जननी भवन गय प्रभु चले नाई पद शेष, पुरुष ही दो बीरे हरस चले मुनि भय हरना, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व कारण करना। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिए। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह के रूप दोनों भाई राम और लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जल जतनु श्याम तमाला, कटिपट पीतक से बर भाता, रुचिर चाय पसायक दुहाता। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं, नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है, कमर में पीतांबर पहने हैं और सुंदर तरकस कसे हुए हैं, दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्म अनन्य देव मैं जाना, मोहिनी पिता तज भगवाना। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई है। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव जो ब्राह्मणों के भक्त हैं, मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध कर धाई, एक ही पान प्राण हरि लीना, दिन जान तिन जप पद दीना। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया, शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी, श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जान करके उसको निज पद अर्थात अपना दिव्य स्वरूप दिया, अपना दिव्य धाम दिया। तब ऋषि निज नाथ जिय चीनी, विद्या निधि कहो विद्या दीनी, जाते लागन छुआ पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझाते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्पी कै प्रभु निज आश्रम आन, अकंद मूल फल भोजन दिन भगते हित जानी, हरिओम शंकर शरणम। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भय जग करम तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मक की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ यज्ञ की रखवाली करने लगे।
सुनि मारिच निसाचर क्रोही लय सहाय धावा मुनि द्रोही बिनु फरबान राम तेहि मारा सत जो जन का सागर पारा। यह समाचार सुनकर मुनियों को शत्रु क्रोधी राक्षस मारिच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री रामचंद्र जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा जिससे वह 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जाकर के गिर गया। यही मारिच का शीर्ष जाकर के 100 समुद्र के पार गिरा जिसका नाम पड़ा मारिच शीर्ष जो आज मॉरिशस है। तो मॉरिशस वही मारिच के शीर्ष का वहां पे एक टापू था। तो आज वहां के लोग मारिच को जानते हैं, इस बात को जानते हैं, भगवान राम की पूजा करते हैं कि यह मारिच के शीर्ष का टापू जो है जहाँ पे हम लोग हैं उसी से उसका नाम मॉरिशस पड़ा है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं, हम भारत के रहने वाले और भारत की ही चीजों को कई बार नहीं जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बिना फल वाला बाण भगवान श्री राम ने मारिच को मारा और वह जाकर के कहाँ गिरा, वहां पे समुद्र के पार जिसका नाम पड़ा मारिच शीर्ष, ठीक है, और धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते उसका नाम पड़ गया मॉरिशस जो आज है। पावक सर सुबाहु पुनि मारा अनुज निसाचर कटकु संहारा मार्य सुर द्विज निर्भयकारी स्तुति करहि देव मुनि झारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा, इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मार करके ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। तापुनि कछुक दिवस रघुराया रहे कीनि विप्रन परदाया भगति हेतु बहु कथा पुराना कहे भी प्रजदपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही। यद्यपि प्रभु सब कुछ जानते थे लेकिन अति आनंद से सब कुछ सुनते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई चरित एक प्रभु देखिए जाई धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा हरस चले मुनिवर के साथा। तदनंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझा कर कहा, हे प्रभु चलकर एक चरित्र देखिए, रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी के साथ प्रसन्न होकर के चले। आश्रम एक दिख मग माही खग मृग जीव जंतु तह नाही पूछा मुनि शिला प्रभु देखे सकल कथा मुनि कहा विशेषी। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया अर्थात अब मुनि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर कहाँ चले हैं, जनकपुरी लेकर जा रहे हैं, क्या देखने के लिए, धनुष यज्ञ। और उसी मार्ग में एक आश्रम दिखाई देता है, वहां पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा, तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। गौतम नारी श्राप बस उपल देह दरिदीर चरण कमल रज चाहते कृपा करहु रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहल्या साप बस पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूली चाहती है प्रभु राम, हे रघुवीर इस पर कृपा कीजिए, ऐसा विश्वामित्र मुनि ने कहा। पर सत पद पावन शोकन सावन प्रकट भई तप पूंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सनमुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चनन नहीं लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गई, धैर्य जाता रहा, उसका शरीर पुलकित होता उठा, मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़ भागनी अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगी, आंसू की धारा बहने लगी।
धीरज मन कीना प्रभु कहचीना रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी अस्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई मैं नारिय पावन प्रभु जग पावन रावन रीपु जन सुखदाई राजु विलोचन भव भय मोचन पाई पाई सर नहीं आई। फिर उनसे मन में धीरज धर कर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य प्रभु श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन हे संसार और जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए मेरी रक्षा कीजिए। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना देखो भरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बरियाना पद कमल पराग रस अनुराग मम मन दुब करे पाना। मुनि ने जो मुझे साप दिया कई बार यह विचार आता है कि क्या ये ब्राह्मण लोग और मुनि लोग क्या श्राप देने के लिए ही थे? क्या इन लोगों का क्रोध इतना जल्दी आ जाता था कि किसी को भी श्राप देते थे? नहीं, क्रोध और श्राप किसी व्यक्ति विशेष के उन्नति के लिए ही साधु मुनि और ब्राह्मण देते थे। आज एक भी आपके पास उदाहरण नहीं होगा जिसमें किसी मुनि ने किसी को श्राप दिया और उसकी इस भव सागर से पार न लगी, उसको भगवान न मिले। तो यह है मुनियों का साप, वो भी एक आशीर्वाद के ही रूप में है। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि मुनि ने मुझे श्राप दिया जिस कारण से मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि को नेत्र भर करके देख पा रही हूँ। इसी से आपके दर्शन को शंकर जी भी जो है चाहते हैं। हे प्रभु बड़े बड़े जो है देवता और ब्राह्मण भी इस दर्शन को ललायित हैं और आप मेरे साक्षात सामने हैं। मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ, मेरी एक बेनती है नाथ, मेरी एक विनम्रता है, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों के रज के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरे सोई पद पंकज जही पूजत अज मम सिर धर कृपाले हरि ए भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परे जे अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोके आनंद भरी अस प्रभु दीन दयाल हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते भजो छाड़ी कपट जंजाल हरि ओम शंकर शरणम। जिन चरणों में परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजा करते हैं, वही कृपालु हरि जो साक्षात मेरे सामने हैं, मेरे सिर के ऊपर उन्होंने अपना चरण कमल रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई भगवान के चरणों में बार बार गिर करके अहिल्या जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पति लोक को अर्थात अपने पति देव के पास चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दिन बंधु हैं और बिना ही कारण दया करने वाले हैं, सिर्फ भक्ति हो मन में। तुलसीदास जी कहते हैं, हे मन मूरख हे सठ हे मन, तू कपट जंजाल माया मोह छोड़ करके उन्हीं का भजन कर, बोल जय श्री राम जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। आज हम लोग बाल लीलाओं का, भगवान श्री राम के बाल लीला अर्थात दशरथ जी के यहाँ भगवान राम का अवतार प्रकाट्य और विभिन्न राम लीलाओं को होते हुए और फिर विश्वामित्र जी उनको लेकर के अपने यज्ञ रक्षा के लिए जाते हुए अहिल्या का उद्धार करना और फिर भगवान श्री राम जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी धनुष यज्ञ देखने जा रहे हैं। आज 211वां अध्याय और मास पारायण का 7वां विश्राम, आज हम लोग यहीं विश्राम करेंगे। फिर हम लोग 7वें
विश्राम से मास पारायण सातवां विश्राम के आगे देखेंगे कि भगवान रामचंद्र छोटे अनुज के साथ और विश्वामित्र जी के सानिध्य में किस तरह जनकपुरी पहुंचते हैं, वहां पे धनुष यज्ञ देखते हैं, धनुष तोड़ते हैं और फिर आगे की लीलाओं का अध्ययन करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, हरि ओम श्री शंकर शरण ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ वज्र विहारी। जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। भक्त वत्सल जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। भक्त वत्सल जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। भक्त वत्सल जय श्री राम, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम। जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।